नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर अल्टरनेट के लिए वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस के पेपर का एनालिसिस करेंगे और आज जो पेपर पहुंचा गया तीनों पारियों में, तो यही पेपर लगभग सभी तीनों पारियों हर पेपर में लगभग 15-20 पूरे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो आप इस पेपर का एनालिसिस जरूर करो और अपना मिलान करो, साथ ही जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो भी इस पेपर का मिलान करो, जिससे आगामी एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही चैनल को पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको हर क्लास नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही अगर आपको इन पेपरों की PDF चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। साथ ही अगर लिंक नहीं हो रहा है तो आप ITI CBT एग्ज़ाम के नाम से सर्च करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? दोस्तों, वो होती है वस्तु के सामने। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? दोस्तों, वो करता है आपका संपर्क सरफेस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्नेह प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार LUB तेल छाप है? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा आपका लेस फील्ड प्रणाली। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल क्या है? दोस्तों, वो आपका 4.8 kg, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं? दोस्तों, वो तो आपका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार में स्थित है? इसकी ऊंचाई 1/3 है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा त्रिभुज। चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे कहते हैं व्यास। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज, उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेमी है और अभिप्रेत 35 डिग्री है? दोस्तों, आएगा आपको 7.85 सेमी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मान ज्ञात करो 1/AM। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा आपका A-M। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आप, A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर के बराबर कौन सा है? तो दोस्तों, ये इसका राइट आंसर आएगा आपका 4AB। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आज, यानी आपका क्वेश्चन दिया था AB का मान ज्ञात करो, यदि A+B का होल स्क्वायर बराबर 36 फिर कोष्ठक बंद A-B का होल स्क्वायर बराबर 24 है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को कहते हैं? तो बताओ दोस्तों, क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे विकृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उससे बोलते हैं हम सुरक्षा गुणांक। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आज, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, वो होती है आपकी संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है? तो दोस्तों, वो होती है आपकी हीटिंग, शॉकिंग और स्क्वेचिंग। अगला क्वेश्चन है, लाभ क्या है? तो दोस्तों, लाभ होता है वो होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? दोस्तों, वो दर्शाया जाता है आपका N के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कितना मिश्रित धन प्राप्त होगा यदि ₹5,000 जमा किया जाता है तथा उस पर मिलने वाला ब्याज 500 है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 5,500। अगला क्वेश्चन है, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? दोस्तों, वो होता आपका मूल्य सूची। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पेपर का, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, अनुमान के तहत क्या है? तो दोस्तों, अनुमान के तहत होता आपका क्या, जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो। तो राइट आंसर सी। तो दोस्तों, ये था आपका WC का पेपर। सभी ट्रेड वाले जरूर देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर करना, और आगामी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।